मोदीनगर रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट पर पहुंचे केशव नगर चौकी प्रभारी नसीम अहमद ने कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिया। पूरा मामला रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस की किरकिरी को देखते हुए एसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया। वायरल वीडियो में नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत केशव नगर चौकी प्रभारी नसीम अहमद मोदीनगर रोड पर एक पिज्जा रेस्तरा में जाते हैं। यहां दरोगा पर्दे हटाने की बात करते हुए कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए थप्पड़ बरसाने शुरू कर देता है। दरोगा की 11 और 18 जनवरी की घटनाएं भी वायरल हो रही है और इस दौरान दरोगा पैर में गोली मारने की भी धमकी देता है। रेस्तरा में लगे सीसीटीवी कैमरे में दरोगा की यह हरकत कैद हो जाती है। पीड़ित ने दरोगा पर महीना मांगने का भी आरोप लगाया है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। चलो निकला यहाँ से बाहर जाओ। उनको अभी हमने बोला था जब यह अटेंडर भी बहुत सही के तो अपनी मेडिकल से बदतमीजी करेगा सुधर कमीशन अभी ये बेटी मुताल है घोषणा हो जाओ क्या हम बोले ये छोड़े बीच खुला जाए ना और देख अंदर ना बहन के चुनाव बीच वाला ना कर दी तीन बार लगते हो लगा
हो रही है हमारा कितनी बात समझाया समझ नहीं है गांजा दारू नोडिया दोस्ती सबाब कबाब इतने बड़े बदमाश है टांगे तोड़ो पिस्टल से एक एक की पर्दे उतर जाने दिए एक एक पर्दा बाहर हो जा पिक्चर फूट का बोले क्या लाइसेंस को मजाक सुनाया तो है